हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी कि बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग आ रहा है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, जो कि काफ़ी लोग चाह रहे थे कि मैं कितना जल्दी अपलोड करूं। तो यहाँ पे मैंने आज फाइनली अपलोड कर दिया है चैनल पे वीडियो। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं आगे आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो यहाँ पे मम्मी पापा, हम और मेरी छोटी बहन गौरी और चीकू। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं शोरूम में, जहाँ पे कपड़े लिए जा रहे हैं। तो मम्मी पापा यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं, और ये सूट का कपड़ा देखा जा रहा है, कोट पैंट का। तो आप लोगों को मतलब मन में ये होगा कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है, आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ा होगा, तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी और किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े निकाले गए कोट पैंट के, जो कि हम लोग देख रहे थे, हमें दो तीन लेने थे, तो यहाँ पे सबके कलर अलग अलग चूज़ करने थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कपड़े देखे और जिनमें से हम लोगों ने सिलेक्ट किया। सो गाइज, यहाँ पे शर्ट के कपड़े देखे जा रहे हैं, और गाइज बहुत महंगे कपड़े होते हैं सूट के। सो गाइज, यहाँ पे कई ब्रांड के कपड़े इन्होंने दिखाए, तो जो हमें सबसे अच्छे लगे सॉफ्ट कपड़े, और सूट के साथ में जब आपका सूट का कपड़ा डार्क है तो लाइट शर्ट ही रहती है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा करके वाइट बता रहे थे, लेकिन पापा ने बोला कि वाइट देना नहीं है शुभ काम में, तो हम लोगों ने लाइट कलर में दो तीन कलर ले लिए। और यहाँ पे चीकू मगन है, क्योंकि इनके इनकी पसंद की चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं, यहाँ इनको खेलने के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो ये अपना फ़ोन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे गाइस गिफ्ट देने के लिए कुछ लोगों के लिए, जो जेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे शर्ट पैंट के कपड़े लिए जा रहे हैं, जो गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा जो बाकी के गेस्ट आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया है यहाँ पे, और हमें बहुत सारी चीज़ें आगे करनी है। और इसके बाद जेंट्स के कपड़े हो गए, अब यहाँ पे लेडीज़ के कपड़े देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे साड़ियाँ देखी जा रही हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कलर की और अलग अलग डिज़ाइन की साड़ियाँ सिलेक्ट कर ली हैं, जो लेडीज़ गेस्ट आएंगे उनके लिए, और यहाँ पे जो मेन मेन है उनके लिए अलग से देखी जा रही है, शायद ये सबके घर पे होता होगा। सो गाइज, यहाँ पे खास जो होती हैं उनके ये साड़ियाँ देखी जा रही हैं, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे फटाफट से साड़ियाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद गाइज फिर हम लोग आ गए हैं मेन सिटी में अयोध्या, और यहाँ पे चल रहे हैं गौरी के लिए कपड़ा देखने। तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि किस चीज़ की शॉपिंग होने जा रही है गाइज। तो जो मतलब मेरे रिलेटिव हैं उनको तो पता ही है कि मैं किस चीज़ का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो गाइज, फाइनली मैं आप लोगों को अभी बता ही देती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए शॉपिंग हो रही है। सो गाइज, गौरी का जो मेरी छोटी बहन है उसकी इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बहुत जल्द ही गौरी की इंगेजमेंट होने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए कपड़े ले रहे हैं, और बाकी जो गौरी के ससुराल वाले हैं उनके लिए कपड़े लिए हम लोगों ने अभी। सो गाइज, यहाँ पे गौरी को गाउन लेना था, हम लोगों ने बहुत जगह पे गाउन देखा लेकिन कहीं भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मम्मी पापा भी परेशान हो गए हैं। और हम लोगों ने पूरे अयोध्या में मतलब मेन फैज़ाबाद सिटी में कोई ऐसी बड़ी शॉप नहीं बची होगी जहां हम लोग नहीं गए, लेकिन कहीं भी पसंद नहीं आ रहा था, और मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने हम लोग सुबह से ही निकले हुए थे शॉपिंग के लिए, और गाइज हम लोगों के पास सिर्फ एक दिन था शॉपिंग करने के लिए। बहुत ही परेशानी के बीच में हम लोगों ने ये शॉपिंग की थी गाइज, वो भी मैं कभी आप लोगों को बताऊँगी, हो सकता है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि किस कारण से हम लोगों ने सिर्फ एक दिन में सारी शॉपिंग की थी। और यहाँ पे इनको देख लीजिए, ये ज़मीन पे फर्श पे लेट गए हैं, इनकी बदमाशी नहीं कम हो रही, क्योंकि ये भी थक गया है बेचारा, सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, और
गाइज यहाँ पे गौरी गाउन पे गाउन देखी जा रही है, क्योंकि इनका मतलब मन था कि पहले ये गाउन, मतलब इनका मन था कि ये गाउन ही लेना है, और जो कि इनको लग नहीं रहा है कि मिलेगा, जिसका मतलब कपड़ा अच्छा लग रहा है उसका कलर या लुक नहीं अच्छा आ रहा है, तो काफ़ी परेशानी हुई और इनको अपनी पसंद का जो है मिल नहीं पाया गाउन। तो देखते हैं कि मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे गौरी वन बाय वन देखे जा रही हैं और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो गाइज यहाँ पे हम लोग कम से कम 6 से 7 गाउन देखे, और यहाँ भी देखने के बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं क्योंकि एक भी गाउन यहाँ पे पसंद नहीं आया। गाइज यहाँ पे 10,000 से स्टार्टिंग था और बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। गाइज हम लोगों के लिए 10,000 काफ़ी है, 10 से 15,000 तक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, लेकिन जैसी प्राइस टैग था इनका वैसा लुक नहीं था किसी गाउन का। तो गाइज तो पूरी सिटी टहलने के बाद हम लोग उसी शोरूम पे फिर से आ गए हैं जहाँ पे पहले आए थे, सबसे पहले आए थे, और यहीं पे अब हम लोगों ने फाइनल कर लिया है गाइज। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक गाउन देखा था जो कि गौरी को थोड़ा बहुत पसंद था, लेकिन लास्ट में वो भी हम लोगों को नहीं पसंद आया। तो हमने यहाँ पे क्रॉप टॉप गौरी के लिए पसंद कर लिया है और अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो गौरी का ये क्रॉप टॉप है जो कि हम लोगों ने पसंद कर लिया है और ये सबको पसंद आ गया है। और मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी चाह रही थी कि अच्छे से मिल जाए, क्योंकि अब उन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी की मतलब शादी करनी रहेगी गौरी के बाद। तो ये गौरी लास्ट है हमारे घर की जिनकी शादी होने वाली है, और इसीलिए मम्मी चाहती हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट रहें, और हम सब चाहते हैं। इसीलिए तो सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और इनका सामान खरीदते खरीदते तो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने सैंडल सिलेक्ट की है, और हम लोग यहाँ पे मैचिंग ढूंढ रहे थे इनके जो है क्रॉप टॉप का। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैचिंग सिलेक्ट कर ली है, सैंडल फाइनल हो गया। इनका पैर बहुत पतला है इसलिए इनको सैंडल भी जल्दी से नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पे इनको देखिए, ये एकदम सुस्त पड़ गए हैं बेचारे। तो गाइज सारी कपड़े वाली शॉपिंग हो गई है, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ज्वेलरी देखने। तो यहाँ पे कई पर्पज़ से ज्वेलरी ली जा रही है। तो अभी यहाँ पे चैन देख रहे हैं पापा, उसके बाद फिर रिंग देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारे इस समय के करंट ज्वेलर हैं उनके यहाँ हम लोग आ गए हैं देखने। तो यहाँ पे रिंग देखी जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनल कर लेंगे, फटाफट रिंग सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी जो ज्वेलरी लेनी है वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और हम लोग सुबह के निकले हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि इस टाइम 10 या 11 बजने वाले हैं। तो गाइज ये सारे सामान हम लोग अपने घर नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम लोग घर पर नहीं ले जा सकते थे। सो गाइज इसीलिए हम लोगों ने पापा मतलब ज्वेलर भैया के यहाँ ही ये सारा सामान रख दिए थे, नहीं लेके गए घर। गाइज तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे यहाँ एक दादी थी, वो एक्सपायर कर गई थी, तो इसीलिए हम लोग नहीं लेके गए घर पे सामान, क्योंकि शुद्धिकरण हुआ था, बाकी की चीज़ें नहीं हुई थी, तो इसलिए हम लोग यहीं पर रख दिए थे सामान। और इंगेजमेंट करना ज़रूरी था क्योंकि लड़के वाले भी चाहते थे और हम लोग भी चाहते थे कि हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कभी इंगेजमेंट या किसी भी चीज़ की डेट टाली नहीं गई थी, तो सबका मन था कि किसी तरह हो जाए, और ईशो चाहेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, सब उन्हीं के हाथ में है। सो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।